Japanese language adjectives. अब adjectives जो होते हैं वो Japanese language में उतने simple नहीं होते जितने कि English language में या फिर Hindi language में हम सीख लेते हैं. लेकिन English language में अगर हम difficulty की बात करें तो वो अलग तरह की difficulty होती है, और Japanese language में अगर हम बात करें तो वो अलग तरह की difficulty होती है. अगर मैं दोनों को compare करूँ तो मैं फिर से यही कहूँगा कि Japanese language के adjectives को सीखना ज़्यादा आसान है. तो आज के इस वीडियो में कुछ एडजेक्टिव्स सिखाते सिखाते मैं आपको उनको याद करने की भी टेक्निक साथ में सिखाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा. वेलकम टू निहोंगोमैक्स, मेरा नाम है रवि. चलिए शुरू करते हैं. ऑलराइट, तो देखिए एडजेक्टिव जो होते हैं वो यूजुअली फोर्थ या फिफ्थ चैप्टर से स्टार्ट होते हैं. जो हम N5 का बिल्कुल बेसिक जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जैसे बेसिक सेंटेंसेस और कुछ पार्टिकल्स जो कि इस वीडियो में भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कवर करने की, वो सीखने के बाद हम इनको सीखते हैं. तो आज का जो वीडियो है थोड़े बहुत जो जापानीज लैंग्वेज जिन्होंने सीखी हुई है या फिर ये एडजेक्टिव भी सीखे हुए हैं उन लोगों के लिए है, और जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं सीखी है वो इसको एक स्केल की तरह, इसको एक आगे आने वाले चैप्टर्स की तरह या फिर एक्स्ट्रा नॉलेज की तरह एक बारी सुन सकते हैं. तो देखिए एडजेक्टिव जो होते हैं जापानीज लैंग्वेज में दो तरह के होते हैं. एक वो एडजेक्टिव जिनको ई एडजेक्टिव कहा जाता है और एक जिनको ना एडजेक्टिव कहा जाता है. ये होते क्या है, इनमें डिफरेंस क्या होता है, इनमें किस तरह से वर्ब कंजुगेशन वगैरह होती है, इस सब में ना पढ़े. क्यों? क्योंकि स्टार्ट करने से पहले ये सब चीजें जब क्लास में सिखाई जाती है तो स्टूडेंट्स सोचते हैं ओहो इतने सारे रूल्स हम कैसे याद करेंगे, वो मीनिंग छोड़ के रूल्स के पीछे पड़ जाते हैं, जो कि जिससे कुछ होता नहीं है. तो सबसे पहले हम मीनिंग को देखेंगे, उसके साथ 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 मैं आपको इनको सिखाने की कोशिश करूंगा कि ये किस तरह से रूल या ग्रामर के तौर पे ज्वाइन हो सकते हैं. कहने का मेरा ये मतलब है कि पहले अगर आप मीनिंग के तौर पे, जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आत्सुई हॉट, सुमेताई कोल्ड, सामुई कोल्ड, किबीशी स्ट्रिक्ट, इस तरह से पहले मीनिंग की तरह अगर एडजेक्टिव्स को याद करने की कोशिश करेंगे तो बाद में जाके इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप अपने आप ही देख लेंगे कि ये ई एडजेक्टिव है ना एडजेक्टिव है. अगर ई है या ना है उसका कोई लेने देने नहीं है, मुझे मीनिंग तो पता चल गया है, अपने आप जिस तरह से ज्वाइन हुआ है उसके हिसाब से मैंने सेंटेंस का मीनिंग निकाल लिया और एटलीस्ट अपना JLPT या फिर अपना जॉब इंटरव्यू पार कर लिया है. उसके बाद टीचर्स के लिए नहीं है ये, टीचर्स को अगर एक्सप्लेन करना है तो उनको पूरा पता होना चाहिए कि ई एडजेक्टिव क्या होता है, ना एडजेक्टिव क्या होता है, ज्वाइनिंग कैसे होती है. मैं बाकी 90% जो जिनका टारगेट जैसे जॉब है या जापान का वीजा है या फिर जापानीज लैंग्वेज को एक हॉबी की तरह सीखना है, उन लोगों को फास्ट जापानीज लैंग्वेज किस तरह से आए मैं वो तरीका सिखाने की कोशिश कर रहा हूं. तो स्टार्ट करेंगे हम मीनिंग के साथ. तो देखिए मीनिंग्स की जो लिस्ट है जैसे यहां पर दी हुई है वो आपको नेट से भी मिल सकती है, आप उसको देख के पढ़ सकते हैं. ये टारगेट नहीं है, टारगेट है ये बताना कि आप इसको बार बार बोलिए, बार बार बोलिए. सामुई, अगर आप सामुई बोल रहे हैं तो सोचिए कि मुझे ठंड लग रही है, इस तरह से ही बोल सकते हैं सामुई दिसने, यानी कि मुझे ठंड लग रही है. आत्सुई, अगर आप आत्सुई बोले तो अपने दिमाग में आप सोचिए आपको गर्मी लग रही है, आत्सुई दिसने, इस तरह से आप अपने आप से बोलिए आत्सुई दिसने, यानी कि बहुत गर्मी है. अब मीनिंग की बात करते हैं तो सामुई जो होता है वो सिर्फ वेदर के लिए आता है, आत्सुई दोनों चीजों के लिए आ सकता है, जैसे वो कॉफी या फिर वेदर दोनों के लिए आत्सुई गर्म आएगा. लेकिन जब ठंडे की बात करें तो सामुई सिर्फ वेदर के लिए आएगा, और सुमेताई ऑब्जेक्ट्स के लिए आएगा, जैसे यहां पर बियर दिया हुआ है या कोई कोल्ड ड्रिंक हो तो सुमेताई सामुई. इसी तरह से किबीशी जो है वो स्ट्रिक्ट के लिए यूज होता है वर्ड. देखिए जो तीनों या मैं कहूंगा चारों पांचों जितने भी यहां पर वो दिए हुए हैं एडजेक्टिव दिए हुए हैं वो ई एडजेक्टिव है, क्योंकि वो ई साउंड से खत्म हो रहे हैं. सामुई, आत्सुई, किबीशी, ताकाई, यासुई, ये सब ई साउंड से खत्म हो रहे हैं. तो पहले हम इनको सीखते हैं. ना एडजेक्टिव जो होता है वो अलग होता है, वो जैसे बेनरी या कांतान, एक जैसे किरेई एक एक्सेप्शन है. तो ना टाइप एडजेक्टिव अलग होते हैं. अभी हम जो ई एडजेक्टिव है वो सिंपल होता है, इसलिए पहले उससे शुरू करेंगे, उसको मैं आपको सिखाऊंगा, उसके बाद फिर हम उनकी बात करेंगे. तो देखते हैं कुछ और एडजेक्टिव यहाँ पर दिए हुए हैं. हाँ, ताकाई के बारे में आपको बताना भूल गया, इसके दो मीनिंग होते हैं, एक महंगा और एक लंबा. ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आप अलग से भी ढूंढ सकते हैं नेट पर, बहुत सारी दी हुई है. फिलहाल हम बात करते हैं इनको याद करने की. तो देखिए जैसे ये लिस्ट दी हुई है इसको आपको फील करके याद करना है. जैसे मुजुकाशी, तो दिमाग में सोचिए आपके लिए क्या चीज मुश्किल है, तो आज से उसको मुश्किल ना बोलिए, मुजुकाशी बोलना शुरू करिए. दिमाग में जब आप कोई चीज सोचें तो सोचे मुजुकाशी देश या मुजुकाशी देशता, सॉरी मुजुकाशी काता. हाँ, ये पास्ट फॉर्म होती है, ये भी आगे के वीडियोज में आपको सिखाऊंगा. फिलहाल इनको एक प्लेन फॉर्म, सॉरी प्रेजेंट फॉर्म की तरह याद रखते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. यासाशी, ओमोशिरोई, हयाई, इनके इंग्लिश मीनिंग याद करने से कुछ नहीं होगा. मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूँ, कोई भी चीज़ इजी हो, जेंटल हो, जो आपके लिए बहुत ही इजी हो, तो उसको सोचिए यासाशी.
कोई अगर आप बुक पढ़ रहे हैं या टीवी देख रहे हैं और बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है आपको, तो सोचिए ओमोशिरोई, अपने आप से बोलिए ओमोशिरोई दिस ने। किसी ने कोई काम फटाफट कर दिया तो आप उसको बोलिए हयाई दिस ने। या जल्दी से कोई आपके पास आ गया, या ट्रेन आ गई, बस आ गई, तो जो भी चीज़ आप कहना चाहते हैं वेरी क्विक, तो उसको कह सकते हैं हयाई दिस ने। आपका कोई फ्रेंड आया, आप उसका वेट कर रहे हैं, बहुत देर से आया, तो आप उसको बोलिए ओसोई दिस ने। तो ये बोलने से आएगा। जो भी मेरा आपको सिखाने का टारगेट है वो बोल बोल के इन एडजेक्टिव्स को सीखिए, आपको बहुत ही आसानी से एक दो दिन के अंदर ही आप इनको बड़े आराम से सीख सकते हैं। उसके बाद जब आप सीखेंगे कि एक ना टाइप होता है, की टाइप होता है, एक जो पास्ट फॉर्म होती है तो हया काता, मुजुकाशी काता, ओसो काता, ये बन जाता है ओमोशिरो काता, तो ये बाद की बात है। वो आप बाद में आराम से जो रूल्स हैं उनको सीख के एक ही मिनट में आप सीख जाएंगे। अच्छा, ओमोशिरोई तो मुझे पहले से ही पता है, अच्छी तरह से मुझे याद है, अब ओमोशिरो काता मुझे याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन पहले जो मेन चीज है उसको आप एक वॉइस, एक रिवीजन, एक रिपीटेशन की तरह याद रखिए, एग्जाम्पल के तौर पर याद रखिए। जैसे कि साथ में कुछ वोकेबलरी दी हुई है, तोतेमो, कुनी, इत्समो, निहोंगो, एगो, इनको भी, वोकेबलरी को भी हमेशा, जैसे आप किसी रूम में बैठे हैं तो आपके सामने जैसे चेयर है, वॉल है, दरवाजा है, तो इन चीजों को जापनीज में बोलने की कोशिश करिए। फिर इस वोकेबलरी को उसके साथ ज्वाइन करने की कोशिश करिए। जैसे कि अगले सेंटेंसेस की तरफ बढ़ते हैं। सेंटेंसेस में दिया हुआ है क्यों वा अत्सई दिस। देखिए, जिन्होंने एडजेक्टिव सीखना स्टार्ट करे उन्होंने ये पहले सीखा होगा, क्यों, आशिता, आसाते, ये डेज नेम होते हैं, यस्टरडे, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो। तो इन इस तरह से इन दोनों को ज्वाइन करके छोटे छोटे सेंटेंसेस खुद बनाने की कोशिश करिए। क्यों वा अत्सई दिस, आज गर्मी है। वा पार्टिकल, नो पार्टिकल, आई होप ये आपने सीख लिया होगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए जिन्होंने थोड़ा बहुत बेसिक सीखा हुआ है, फिर भी मेरी चलिए पूरी कोशिश है, मैं आगे आने वाले पार्टिकल्स को भी आपको साथ साथ सिखा देता हूँ। निहोंगो नो होन वा ओमोशिरोई दिस, पहले नो पार्टिकल को देखिए, बिलोंगिंग के लिए होता है, पोजेशन के लिए, उसका या उसकी। तो निहोंगो नो होन यानी जापानीज लैंग्वेज की बुक, वा ओमोशिरोई दिस, तो जापानीज लैंग्वेज की बुक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। निहोन्नो कुरुमा वा ताकाई दिस, तो ये वही एग्जाम्पल है जो मैंने अभी आपको दिया था कि ताकाई जो है वो एक्सपेंसिव, निहोन्नो कुरुमा जापान की कार, तो जापान की कार एक्सपेंसिव है। देखिए, मैं फिर से बता देता हूँ कि ये हिंदी से बहुत मिलता जुलता इसका स्ट्रक्चर होता है। आगे भी जब बेसिक, इनफैक्ट एडवांस तक जाते जाते भी मैं हर क्लास में, अपने एन टू एन थ्री क्लास में भी, मैं बहुत बड़ा सेंटेंस होता है उसमें भी यही एग्जांपल देता हूँ कि आप इसको पूरा हिंदी में भी कर सकते हैं। पहले सेंटेंस, पहले वर्ड से शुरू होकर एंड तक अगर आप जाएंगे तो पूरा हिंदी में भी ऐसे ऐसे एसिड स्ट्रक्चर उसका बनेगा। इंग्लिश में तो उल्टा पुल्टा करना पड़ता है, लेकिन हिंदी में जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, निहोन्नो कुरुमावा ताकाई, जापान की कार महंगी है, बिल्कुल हिंदी से मिलता जुलता है। तो ये हम हिंदी स्पीकर्स के लिए ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो इसी तरह से आगे के सेंटेंसेस को आप रीड करिए। और आप मेरे आगे बढ़ने से पहले एक मिनट के लिए इस वीडियो को यहीं पॉज कीजिए, इन सेंटेंसेस को रीड कर लीजिए, उनकी उनका इंग्लिश मीनिंग रीड कर लीजिए, उसके बाद इनको सीखना बहुत मुश्किल, बहुत आसान हो जाएगा। तो आई होप आपने वीडियो पॉज कर लिया होगा और इन सेंटेंसेस को पढ़ लिया होगा। कोई बात नहीं, हम फिर से देखते हैं। इसमें से मैं कोई मुश्किल सेंटेंस चूज करता हूँ, जैसे 7 नंबर, तानाका साम वा इत्समो की बीशी दिस। तानाका सान, ये तो हमें पता चल गया कि तानाका सान की बात हो रही है। इत्समो का मतलब होता है ऑलवेज, और किबीशी दिस का मतलब होता है स्ट्रिक्ट है। तो तानाका सान हमेशा स्ट्रिक्ट है, यानी कि तानाका सान हमेशा स्ट्रिक्ट रहते हैं। तो हिंदी से मिलता जुलता है, एक एक वर्ड हिंदी में बस आपको याद रखने की जरूरत है। यमादा सामवा हयाई दिस ने, ये वही एग्जांपल है जो मैंने अभी आपको दिया था। कोई व्यक्ति जल्दी से कोई काम कर देता है तो वो बहुत क्विक है, तो हम कह रहे हैं कि यमादा सान जो है बहुत ही क्विक है। जो एंड में ने लगा हुआ है वो हिंदी के ना से मिलता जुलता है। जैसे हम कहते हैं आज बहुत गर्मी है ना, आज बहुत सर्दी है ना, ये बहुत टेस्टी है ना, तो इसी तरह से ने होता है। तो इसकी जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो भी इस तरह से दी हुई, यमादा सान इज वेरी क्विक, इजंट इट, एक तरह से कंफर्मेशन मांग रहा है। लास्ट सेंटेंस के इतारिया नो रियो रीवा ओइशी दिस का, तो का जो है ये हमने आई थिंक सीखा होगा कि ये क्वेश्चन के लिए आता है, दिस के बाद का लगाना है, यानी कि एक क्वेश्चन बन गया। तो इटालियन रियोरी का मतलब होता है डिश, इटालियन रियोरी वा ओइशी दिस का, टेस्टी होती है क्या। तो इस तरह से आगे आने वाली वीडियोज में भी मैं आपको ई एडजेक्टिव्स और ना एडजेक्टिव्स का कॉम्बिनेशन बना के सिखाऊंगा। बात सारी इतनी है कि आप याद रखिए कि इनको सीखना कुछ भी मुश्किल नहीं है अगर आप हिंदी लैंग्वेज का सहारा लेते हैं। ऑल द बेस्ट। देखिए, चाहे ई टाइप एडजेक्टिव हो चाहे ना टाइप एडजेक्टिव हो, इसको सीखने का
लर्न करने का यूज करने का एक ही तरीका जो कि मैं हमेशा अपने वीडियोस में हर बार आपको सिखाने की कोशिश करता हूं कि रिवाइज एंड रिपीट। सिर्फ रिवाइज करने का मतलब होता है एक या दो बार रिवाइज करना, लेकिन रिपीट करने का ये मतलब होता है कि आप उस चीज़ को अपने मुंह से बार बार बोलें, उसी स्पीड से बोलने की कोशिश करें। शुरू में उतना अगर नहीं भी बोल पाते तो बाद में बोलने की कोशिश करें उस सेंटेंस को, पूरे सेंटेंस को। एक वर्ड को बोलने से कुछ भी नहीं होगा। जैसे निहोन्नो कुरुमा वा आताराशी देस, या फिर निहोन्नो कुरुमा वा ताकाई देस। तो इसमें ताकाई और आताराशी एक दो बार बोलने से कुछ नहीं होगा, आपको पूरे सेंटेंस को बोलना आना चाहिए उसी स्पीड से। तो मैं ये बात बता रहा था कि मैं अपने हर वीडियो में कोशिश करता हूँ बताने की कि आपको रिवाइज और रिपीट करना है। जो डिफरेंस है ई टाइप और ना टाइप में, जैसे कि भी आपने देखा है लिस्ट के तौर पे भी आप इसको याद कर सकते हैं, या फिर एक सेंटेंस के तौर पे आप उसको याद कर सकते हैं। देखिए, रूल्स के पीछे भागना उतना जरूरी नहीं है जितना कि रिपीटेशन और प्रैक्टिस के पीछे भागना है। आई होप आप इसको, आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ समझ आया होगा। और अगर स्टिल आपके कोई डाउट्स रहते हैं, क्वेरीज रहती हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी अपने डाउट्स और क्वेरीज पूछ सकते हैं। सिर्फ हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मांगने से या फिर वेबसाइट मांगने से आपको सिर्फ ऊपरी नॉलेज मिलेगी, लेकिन मेरी पूरी पूरी कोशिश है कि आप अगर हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं या फिर अगर आप जापान स्टडी वीज़ा पर जाते हैं, तो अपनी डायरेक्शन अगर एक बार आपने ठीक कर ली तो आपको हर चीज़ फ़ायदा ही फ़ायदा देगी। ऑल द बेस्ट।